सर सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके यूनियन में जो प्रॉब्लम चालू है, जो छिड़ी है, जो प्रॉब्लम, पहले तो उसके बारे में जानना चाहिए क्या है। ये एसोसिएशन के अंदर एक कोरियोग्राफर का इंटरफेरेंस होने की वजह से हमारी एसोसिएशन के अंदर दो कमेटी हो गई, दो इलेक्शन हो गए और दिस मैटर हैज़ लैंडेड इन इंडस्ट्रियल कोर्ट एंड डिंडोशी सिविल कोर्ट। ओके, इसके पहले हर कोई भी जो सेक्टर रहता है उसमें वेतन को लेकर बढ़ाव चाहते हैं, आप में भी है ये मांग, सही है, बट कोई ऐसे जो है आपके ही इंडस्ट्री से नहीं चाहते कि ना बढ़े, तो उसके बारे में जानना चाहिए क्यों, ऐसा क्यों? हमारा लास्ट जो वेज इंक्रीमेंट हुआ था, ये सारे हमारे डांसर्स है, हमारी कमेटी है, तो हमारा जो लास्ट वेज इंक्रीमेंट हुआ था वो जून 2014 के अंदर हुआ था। किक जो पिक्चर आई थी सलमान खान की, उस गाने में हुआ था। उस टाइम तक 3,500 रुपये चल रहे थे, तो उस टाइम पे ₹4,000 तक हमारा रेट वहाँ से बढ़ा था। अब 2014 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 जून चले गया, 5 साल हो गए, वेज इंक्रीमेंट हुआ नहीं। तो अब हमने जाके सारे कोरियोग्राफर से रिक्वेस्ट किया है कि 5 साल हो गया है, बहुत लंबा टाइम है, महंगाई भी बढ़ गई है। तो सारे लीडिंग कोरियोग्राफर्स ने हमको सपोर्ट किया, उनकी ब्लेसिंग से, उनके सपोर्ट से रेट अभी 4,500 हो गया है, सिवा एक कोरियोग्राफर के, मिस्टर गणेश आचार्य। तो आपके चैनल से हम और हमारी सारी कमेटी, हमारे सारे डांसर्स गणेश आचार्य से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी सारे डांसर्स को 4,500 का रेट दें, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और उनके इंटरफेरेंस की वजह से दो कमेटी हो गई है, और वो जो कमेटी है जिनको उन्होंने सपोर्ट किया है, वो लोग खुद कम पैसे में काम करते हैं। सीनियर सिटीज़न को 2,000 रुपये मिलता है, यंग लड़के लोग को कभी 3, कभी 3.5 मिलता है, और वो कमेटी उधर जाके काम करती है। जब उनकी कमेटी वहाँ पे काम करती है तो सारे डांसर्स फिर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, बोल ही नहीं, पूछ नहीं, इधर बोलने का, बोल बोला रिहर्सल तो बोल। मास्टर जी ने आज सबको बुलाया था, उधर मीटिंग रखा था रिहर्सल के लिए, रिहर्सल है, सब जन आ जाओ, तो सब मेंबर उधर गए तो उधर रिहर्सल के बहाने से बुलाए मास्टर जी ने, और अब फिर बोल रहे हैं कि आप लोग का कुछ फाइनल हो रहा नहीं है, जब ऑफिस नहीं खुल रहा है तो हम लोग किसी को मेंबर को काम पर बुलाएंगे नहीं, नहीं बुलाएंगे बोलते हम नॉन मेंबर नचाएंगे, नॉन मेंबर कैसे नाच सकते जब मेंबर है, तो फिर सब मास्टर लोग पेमेंट देने के लिए तैयार है, 4,500, सिर्फ गणेश मास्टर ही नहीं देने के लिए तैयार, क्या प्रॉब्लम है वो सब मालूम नहीं। वर्कर का अच्छा हो रहा है तो उन्होंने भी साथ वर्कर की पेमेंट, वर्कर के साथ में रहे, आज भी वो उनको हम हमेशा बोलते हैं कि आप वर्कर के साथ में है तो वर्कर की सपोर्ट कीजिए, तो आज आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे गणेश जी? जहाँ हम लोग पहले बोले थे 4,000 देने के लिए, तो अच्छी बात है ना, तो वो मास्टर को भी खुश होना चाहिए, हाँ चलो सब डांसर को एक जैसा पेमेंट हो रहा है, लेकिन वो चाहता ही नहीं है, क्योंकि महीना भर तो काम नहीं रहता है, जो शूट रहेगा वही पेमेंट आती है, तो फिर 4,500 देने में क्या है वर्कर को, है ना, देना चाहिए ना, जब सब मास्टर दे रहे हैं। हर शूटिंग में जाके बोला कि नॉन मेंबर नहीं नाच सकते, फिर आज ये मास्टर क्यों बोल रहा है कि हम लोग नॉन मेंबर लेंगे, ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉन मेंबर नहीं नाचना चाहिए, मेंबर ही नाचना चाहिए, और पेमेंट जो हमारे फेडरेशन ने बढ़ाई है, हर मास्टर ने बढ़ाया, तो वो पेमेंट हम लोग को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सब डांसर लोग। दो कमेटी के होने की वजह से हम लोग डांसर्स की आवाज़ हमेशा स्ट्रांगली सामने रखते हैं, कोई भी फोरम पे, प्रोड्यूसर्स के सामने हो, कोर्ट में हो, फेडरेशन में हो, कोऑर्डिनेटर्स के पास हो, कोरियोग्राफर्स के पास हो, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और इस वजह से ये लोग हमारे आज साथ में है और डांसर्स का रेट बढ़ा और वो सुनते भी है। एवरी कोरियोग्राफर, हर एक कोरियोग्राफर डांसर्स के हित में ही बात करता है, उनको सपोर्ट करके ही बात करता है, उनको हमेशा बढ़ावा ही देते हैं कि हाँ ओके तुम्हारा भी प्रोग्रेस हो किसी ना किसी जरिए से, वेदर इट्स वेजेस, वेदर इट्स पेमेंट, वेदर प्रोग्रेस, हर एक चीज़ में। सो बेसिकली आपने पर्सनली जाके बात की है गणेश आचार्य से? काफ़ी टाइम बात हुई है, जब हमारी पुरानी कमेटी थी उसके अंदर काफ़ी टाइम में उनको रिक्वेस्ट किया है, लेकिन हमेशा वो टाल जाते हैं, देना ही नहीं चाहता है, 4,500 बोलता है मैं दूंगा ही नहीं, मेरा जो पेमेंट है वही मैं दूंगा, 2 या 3, और वो 4,000 भी नहीं देते हैं। लास्ट ईयर एक AGM हुआ था, AGM के अंदर भी उनको डांसर्स ने, वो AGM के अंदर आए थे, AGM के अंदर भी डांसर्स ने कहा था, बबलू ने, उनकी असिस्टेंट थी जयश्री, और बहुत सारे लोग थे, नम्रता थी, ऐना थी, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा था कि आप 4,000 कीजिए हर किसी का, तो उन्होंने उस टाइम पे भी टाल गए बात, तो इसलिए वो कमेटी के अंदर भी फिर दो टुकड़े हो गए, तो वो लोग भी 4,000 के लिए, वेज इंक्रीमेंट के लिए
लड़ रहे थे, लेकिन फिर बाद में वो हुआ नहीं। अब हमारी कमेटी ने विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द लीडिंग ऑल लीडिंग कोरियोग्राफर्स ये कर दिया है और हर जगह ये एक्सेप्ट हो रहा है। तो 5 साल के बाद हुआ है। के बाद ये अप्लाई होने वाले जो आप लोग ऑलरेडी इन एप्लीकेशन है और ये अप्लाई हो चुका है और फेडरेशन ने भी हमको सपोर्ट किया है। ऑल्दो सीनियर डांसर एसोसिएशन फेडरेशन का अभी एफिलिएट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वेज इंक्रीमेंट के लिए, वर्कर के वेतन के लिए, वर्कर की वेजेस के लिए दे विल ऑलवेज स्टैंड विद अस। तो हमको आशीर्वाद हमारी फेडरेशन का भी सपोर्ट है। ओके, लास्टली अगला स्टेप आपका क्या होगा, फाइनली जो आगे आपको करना है या क्या स्टेप होगा उसके बारे में? ये हम लोग हर जगह एनफोर्स करेंगे 4500, हर जगह जाके हम हर कोरियोग्राफर से, हर प्रोडक्शन में, हर कोऑर्डिनेटर के पास हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। और हमारे जो कोर्ट की लड़ाई जो चल रही है तो वो तो इट विल टेक हिज ओन कोर्स, दैट मैटर इज सब ज्यूडिस दोनों जगह पे, तो वो तो जो होगा वहाँ पे फैसला होगा।